चेन्नई's loss is Bangalore's gain. ई साल कप नम दे, और ऐसा लगता है कि इस बार कप की तरफ ये चल नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं. अलग अलग समय पे अलग अलग हीरोज इनको मिलते हैं. कभी दिनेश कार्तिक होते हैं, कभी ग्लेन मैक्सवेल होते हैं, कभी होते हैं शहबाज, कभी होते हैं हेजलवुड, और कभी होते हैं फाफ. फाफ है तो फिर मामला साफ है. इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एक बार फिर ये मुकाबला जीत गए हैं, एक बार फिर ये विजय रथ पे सवार है, नंबर दो पे है इस समय पॉइंट्स टेबल पर. और अगर यहीं बने रहेंगे तो इस बार ट्रॉफी के पहुंच सकते हैं बहुत करीब. लेट्स टॉक अबाउट आरसीबी. इट्स अ ग्रेट टीम टू टॉक अबाउट. और आज का रेडमी नोट वर्दी क्वेश्चन ऑफ द डे, देखिए ये मोहम्मद आमिर है, ये इन्होंने बॉल डाली, ये इन्होंने आउट किया रोहित शर्मा को. 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, पर इवेंचुअली इनकी फिगर्स कितनी थी, मतलब क्या किया था इन्होंने इस पूरे मैच में, याद है आपको? क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स आकाशवाणी. कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G. कल हमने एक विनर अनाउंस कर दिया है, वो ट्विटर पे कर दिया था, प्लीज चेक कर लीजिएगा. क्योंकि भाई अब देखो मेरे पास 8 और फोन बचे हैं, तीन बांट चुका हूँ ऑलरेडी. तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको मिले. पर अब जरा करते हैं इस मुकाबले की बात. बदलाव की आवश्यकता थी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप दोनों ही टीम्स को देखें तो उसमें किसी में भी बदलाव की कोई ना तो गुंजाइश थी ना आवश्यकता थी. तो भाई लेट्स नॉट फिक्स इट विच एंट ब्रोकन. पिछला मैच मुंबई को हरा के यहां पहुंचा था. अगर हम लखनऊ की बात करें, बैंगलोर पिछला मैच दिल्ली को वो धराशायी करके पहुंचा था. तो वेरी नाइस. चलो भाई बात करते हैं. अच्छी टीम्स दोनों खेल रही हैं. एक तरफ जॉश हेजलवुड है, फाफ डुप्लेसी के रन नहीं बन रहे थे, वो भी बना दिए. और अगर आप पहले ओवर में दो विकेट चटका जाते हैं या गवा जाते हैं, देखिए जो टीम पहले ओवर में मैच के दो विकेट चटकाती है उसे लगता है अब तो मैच जीत ही गए, और जो गवाती है उसको लगता है कि भाई मैच गवा ही दिया. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उनमें से एक विकेट विराट कोहली का था, गोल्डन डक. बात करनी पड़ेगी कोहली की, बात करनी पड़ेगी. पर उससे पहले कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर, ये कौन थे जनाब? आई विल गो विद फाफ डुप्लेसी टू बिगिन विद. ऑफ कोर्स जॉश हेजलवुड का केस बहुत स्ट्रांग है, पर जॉश की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतनी दूर तक आप पहुंचते ही नहीं. लेट्स बी ऑनेस्ट, पिच वॉज डिसेंट पिच. एक साइड का बाउंड्री जो थी काफी छोटी थी. जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप दो विकेट एक ही ओवर में चटका जाते हैं, दैट हैपेंस टू बी द फर्स्ट ओवर ऑफ द गेम. दुश्मनता चमीरावेल अनुज रावत को आउट करते हैं, उसके बाद कोहली को गोल्डन डक पे आउट करते हैं, तो फिर लगता है टाइम टाइम फिश. फिर आप देखते हैं चलिए फाफ है, फाफ के साथ मैक्सी है, मैक्सी रन बनाएंगे, मैक्सी 2-4-5 चौके मारते हैं, फिर वो भी आउट हो जाते हैं. अब क्या, अब कैसे आगे चलोगे? यहाँ पे शहबाज आते हैं, यहाँ पे दिनेश कार्तिक आते हैं, पर फाफ चलते रहते हैं शुरुआत से लेके अंत तक. अनफॉर्चुनेट टू मिस आउट ऑन हिज 100. 96 वाज एब्सोल्युटली स्टेलर, बहुत खूबसूरत उन्होंने पारी खेली. और जो जो मेन मेन थ्रेट्स थी, मतलब रवि बिश्नोई साहब को खतरा था ना, खूब इनका तो धागा ही खोल दिया भाई इस टूर्नामेंट का. शायद इससे ज्यादा रन उन्होंने ना खाए होंगे कभी, बहुत पिटाई हुई इस मुकाबले में उनकी. उसके बाद आप सामने वाली टीम में दुश्मनता चमीरा को शुरू में न्यूट्रलाइज किया, बाद में जाके आवेश खान को भी न्यूट्रलाइज किया. किसी को भी क्या सभी को आड़े हाथों लिया, और बहुत कमाल का काम किया फाफ डुप्लेसी ने. खेली कप्तानी पारी और टीम को पहुंचा एक ऐसे टोटल तक जिसको डिफेंड किया जा सकता था, किया जा सकता नहीं था, किया, करके दिखाया. कप्तानी बहुत बढ़िया की. तो फिर कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर हैज टू बी फाफ डुप्लेसी, क्योंकि शोर बढ़ रहा था, एकदम गर्मी बढ़ रही थी, जैसे आपकी वो बाइक चलाने में होती है ना. फिर कौन आपके बाइक इंजन को 3x प्रोटेक्शन देता है, बताओ कैस्ट्रॉल एक्टिव. उसी प्रकार से फाफ डुप्लेसी ने बैंगलोर के इंजन को एकदम स्मूथ चलाया. वाह मेरे यार, आप आधी कहानी तो वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको विकेट्स एक एक रेगुलर इंटरवल्स पे आप गवाते जा रहे हैं तो फिर एक बड़े टोटल तक आप शायद ना पहुंच पाए. आज कुणाल ने एक्चुअली इस मैच में अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी जगह पे पकड़ गेंदबाजी की, वो अच्छा काम किया. रवि बिश्नोई से मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उनको बहुत आड़े हाथों लिया गया और ठीक ठाक उनकी पिटाई हुई. विच वॉज मतलब बिश्नोई के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो लगता है यार क्या हो रहा है यार, पर ठीक है, इट्स ऑल राइट. कभी ना कभी तो किसी ना किसी की तो पिटाई होनी है, तो इस बार उनकी हो गई. उसके बाद लेट मी जस्ट गो थ्रू देयर बोलिंग स्पेल्स. टू बी ऑनेस्ट 4 में 47 है जी बिश्नोई के. आवेश के खाते में एक भी विकेट नहीं थी, 4 में 33. दुश्मनता चमीरा ने 3 ओवर में 2 विकेट चटका दिए, पर 3 ही ओवर डाले. सोचो ये थोड़ा सा ज्यादा वो इधर उधर ऊपर नीचे करने का थोड़ा सा ये परिणाम कई बार रहता है. पर नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोहली ऑल्सो. हो क्या रहा है यार, मैं तो मतलब मैंने ट्वीट भी किया कि दिस टू शैल पास इवेंचुअली, इट विल राइट, मतलब बनाएंगे ना रन, क्योंकि हर बार ऐसा लगता है कि यार बंदा बनाएगा, क्योंकि पेडिग्री है, क्लास है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतने सारे रन बना चुका है. कभी तो खराब समय खत्म होगा. हो नहीं रहा यार, हो नहीं रहा, क्योंकि पहले हम सब कहते थे कि इन सबका तो समय आता है, इस खिलाड़ी का दौर आता है, वो दौर आया और बहुत लंबे समय तक चला और बहुत अच्छा से चला. लेकिन अब तो कितने मैच हो गए हैं यार,
बीच बीच में जो रन बनते भी हैं वो भी बड़ी पारियां नहीं बनती हैं, और कितनी बार वो ऐसे करके ठक करके जीरो पे आउट, दो बार रन आउट, बाहर की बॉल पे कैच आउट, यार वो क्या रहा है कोहली के साथ था। मुझे तो लग रहा है भाई अब इनके वो कुंडली दिखाओ और कुछ यज्ञ वज्ञ कराओ, क्योंकि आई डोंट नो, आई हैव नो वे टू टेल यू कि यहाँ से वापसी कैसी होगी। आप उम्मीद तभी भी करते हैं, फिंगर्स क्रॉस टोस क्रॉस की कोहली है, रन बनाएगा, रन मशीन है, टन मशीन है, इवेंचुअली रन बनाएगा, और जब बनाएगा तो रुकेगा नहीं, पर कब बनाएगा इज अ क्वेश्चन दैट इज हम सबके रातों की नींद उड़ा रखी है भाई, कि कोहली कब रन बनाएगा यार, ये तो मतलब हद ही हो गई। पर एनीवे यहाँ पे जब चेस करने की बारी आती है तो आपसे क्या उम्मीद होती है, बड़ा टोटल हो चुका है, आपको लगा था शायद वो छोटा टोटल रहेगा, पर छोटा नहीं था, एग्जैक्टली टू बी वेरी प्रिसाइज 181 रन बना दी जी भाई आरसीबी ने कुल मिला के, तो बड़ा अच्छा टोटल है। अब इसको पीछा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्विंटन डिकॉक और अपना राहुल को तेजी से भागना पड़ेगा। क्विंटन डिकॉक को आउट करते हैं, जॉश हेजलवुड एक आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, मतलब टेस्ट मैच का लाइन लाइन ठक करके किनारा मैक्सवेल पकड़ते हैं, कहता है वाज एक्चुअली वेरी वेरी गुड विकेट। अब इसके बाद मनीष पांडे जी को भी करके आउट कर लेते हैं, तीन नंबर बैटिंग करने आए थे। इसके बाद लखनऊ का क्या है कि बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब इतना फ्लेक्सिबल है कि इतने तो जिमनास्ट नहीं होते फ्लेक्सिबल टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल है, ये एकदम ऐसे करके मुड़ जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने कृणाल पंड्या को भेजा, विच वॉज नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि वनिंदु हसरंगा बीच में आएंगे, मैक्सी डाल रहे हैं, थोड़ी सी पिच रुक रही है, कृणाल वॉज सेटिंग द बॉल रियली वेल, बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की, उन्होंने 42 रन बनाए मात्र 28 गेंदों में। इस साल बॉलिंग भी ज्यादा नहीं की, इस मैच में 4 ओवर भी डाले, इस मैच में बैटिंग भी की, रन भी बनाए, सी ही इज अ गुड प्लेयर, देयर इज नो डाउट, कृणाल पंड्या इज अ क्वालिटी प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर को आप मौका ही नहीं दे रहे हो तो बात अलग है, पर जब मौका दिया तो उन्होंने मौके पे बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके बाद दीपक हुड्डा आते हैं, उसके बाद आयुष बेदोनी आते हैं, सबको आपने भेज दिया, उसके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस, ये एक मेरे विचार में मेरी समझ के थोड़ा सा परे है बात, क्योंकि हेजलवुड के 4 विकेट की तो बहुत चर्चा होगी, बात होगी, मैच जिताया, क्योंकि अगर 4-4 विकेट आप चटका दोगे तो मैच खत्म ही कर दोगे ना, पिछले मैच में 3, इस मैच में 4, 2 मैच में 7 विकेट, आई मीन व्हाट इज दिस यार। और अभी तो इनको सभी कहते हैं कि T20 का गन बॉलर नहीं है, अब इसके बाद क्या करेगा, क्या मशीन गन लेके उतर जाए, आई मीन और क्या करे, तो मतलब सब कुछ तो कर रहे हैं जॉश हेजलवुड वहां पर, लेकिन मार्कस स्टोइनिस बहुत नीचे उनको भेजा गया, बहुत नीचे, एंड में आके लगता है कि वो मारना तो शुरू करते हैं, और अच्छी खासी पिटाई की उन्होंने, मैं टू बी फेयर 15 बॉल में 24 बना दिए, अब 15 बॉल में 24 ही बना सकता है बंदा, लेकिन उसके बावजूद सामने से प्लेयर खत्म हो जाते हैं। अब बहुत बड़ा ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि इनको और लेट भेजो, कम भेजो, अरे 15 ओवर में बैटिंग आ गई थी, पॉइंट वो नहीं है कि 15 ओवर में बैटिंग आ गई थी, पॉइंट ये है कि सामने से भी तो कोई चाहिए रहता है ना कि छक्के मारे, और फिर आपने होल्डर को बिल्कुल एंड में भेजा, सब कुछ खत्म हो गया तो होल्डर को भेजा, और होल्डर ने भी मारे मेरे भाई 8 गेंदों में 16, उन्होंने भी ठीक ठाक पिटाई की है, पर ये बैटिंग ऑर्डर है ना, उठा पटक इनकी बहुत होती है, पहले भी हुई थी, अभी भी हुई है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप इस प्रकार से लड़ाई कर रहे हैं, अगर आप ऐसे बड़े टोटल का चेस कर रहे हैं, तो अपने ना गन्स को आगे आगे भेजना शुरू करो इसको, ये टैक्टिकल चेस जो है ना, ये जो स्ट्रेटेजिक चेस है, पर्सनली मतलब मैम इट्स वेरी पर्सनल ओपिनियन, मुझे वो पसंद नहीं आती, मुझे लगता है कि अगर तो राहुल पूरी बैटिंग कर रहे हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद गेट योर स्ट्राइकर्स इन, गेट योर एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन, अगर आना होगा तो एंड में बदोनी मार देगा चाके छक्के छक्के चौके चौके छक्के चौके छक्के जो उन्होंने एक दिन मारे थे, पर ये जो लड़ाई है आगे से जीती जाएगी, पीछे से नहीं। किसके साथ था, राजस्थान के साथ था ना, आपने स्टोइनिस को रोका था, यहाँ पर मेरे साथ ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनेस्टली उड़ा को नीचे भेजो तो भी चल जाएगा, मतलब इन अ रन चेज ऑफ दिस नेचर, बट कोई बात नहीं, चलो एनी हाउ गेंदबाजी की बात करो, 4 विकेट जॉश हेजलवुड हैं, 2 विकेट हर्षल भेंगे थे पर 2 विकेट हैं, 1 विकेट सिराज इकोनॉमिकल एक्चुअली, 4 ओवर में 31 रन, 2 में 11 ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज हैं 4 में 25, वेरी गुड बॉलिंग, बड़ा अच्छा काम ये करके गए। वनिंदु हसरंगा के खाते में कुछ नहीं था, सिर्फ निराशा थी, 2 ओवर में 20 रन बनाए पर मतलब खाए हैं, पर टीम आसानी से मैच जीत गई, इसलिए कोई बात नहीं, 2 अंकों के साथ 5 जीत के साथ पहुंच गई टीम ऊपर। क्या बात है भाई, आरसीबी साला कप नाम दे, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है इनको देख के कि इस तरीके से खेल रहे हैं। अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका मैं आपको जवाब तो देता ही जाऊंगा, जो मैंने सवाल आपसे कल पूछा था, रेडमी नोट वर्दी क्वेश्चन ऑफ द डे वॉज जॉन्टी रोज ने जो 92 में रनआउट किया था, भाई बैट्समैन कौन है, बैट्समैन थे जी इंजमाम उल हक, और ये है हमारा फोन रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G, खूबसूरत ये फोन है, बहुत खूबसूरत ये फोन है, ये फोन अगर आपको चाहिए तो फिर 8 और मैंने फोन देने हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। और मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ, एक और तरीका भी हो सकता है, आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालिए, आप ट्विटर पे डालिए, हम सबको टैग कीजिए, जो जो से अकाउंट्स को टैग करना है, और थोड़ा सा शोर शराबा मिलता है, दोस्तों को बताओ, सबको बताओ, देखिए आपको मिल सकता है, दोस्तों को मिल सकता है, वाई नॉट, है ना, बांटने से प्यार बढ़ता है, बांटने से हो सकता है आपको भी फोन मिल जाए, आपके परिवार में भी किसी को मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा।
बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 108 मेगापिक्सल कैमरा, AMOLED डिस्प्ले है, प्रोसेसर एकदम कमाल का है, बैटरी खत्म ही नहीं होती, आई मीन फोन है कि क्या करा मत। आज के लिए इतना ही, वैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, 10 बजे वीडियो आएगा, बात करेगा आज शाम के मैच की। मैच होगा क्या? दिल्ली का मैच होने वाला है, मतलब मिचेल मार्श तो हॉस्पिटल में है, कोविड आउटब्रेक हो गया, क्या होने वाला है उसके लिए सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और क्या नियम है अभी तक के लिए तो मैच ऑन है, पर नियम क्या है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, दैट्स फॉर द 10 AM वीडियो। अभी के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। यू आर वॉचिंग कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंट्स #आकाशवाणी पावर्ड बाय रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G।